नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। विधानसभा चुनाव के दौर में हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकालने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि हम सबका साथ सबका विकास जो मंत्र है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी पार्टी हमारा परिवार को लेकर कुछ लोग चलना चाहते थे जो पार्टी के नीतियों के खिलाफ है। भाजपा में आए थे, मैं पूरा उनका सम्मान किया। हर समय जो है, जब भी उन्होंने विकास के मामले में कोई भी बात करी तो हमने हमेशा, थोड़ा असहज स्थितियां भी आई लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उसको करें। लेकिन इस बार चूंकि स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं, हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है सर, हम हमेशा जो है हमारी पार्टी राष्ट्रवाद पर और वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ लगातार चलती रही है और उस पार्टी पर, उस पर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम एक परिवार से दो लोगों को टिकट नहीं देंगे, दो या तीन किसी को भी नहीं देंगे, एक परिवार से एक टिकट देने की जो बात। और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरेश रावत समेत प्रदेश के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान स्थिति में कौन सा उम्मीदवार कहां फिट होगा, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई। 2 से 4 सीटों को छोड़कर लगभग सभी के नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, चौथी या पांचवी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 8 से 9 घंटे चल रहे हैं सर, अभी तक फर्स्ट लिस्ट नहीं आया है, क्या चल रहा है सर? हम डिटेल में सब चीजों की बातचीत कर रहे हैं, सारे प्रोस एंड कॉन्स भी, और साथ साथ उस कॉन्स्टेंसी की क्या इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी रहेगी उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। हम अकेले केवल कैंडिडेट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कैंडिडेट के बाद क्या चुनावी वहां की रणनीति रहनी चाहिए ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके, उस पर भी बातचीत कर रहे हैं, इसलिए कुछ समय लग रहा है। सर, कितने सीटों पर सहमति हो चुकी है सर? सभी सीटों पर प्राय सहमति हो गई है, कुछ जिन कुछ सीटों पर 2-4 सीटों पर सहमति नहीं भी हुई होगी तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया जाएगा। सर, कल सीएसी की बैठक है? कल तो शायद नहीं, लेकिन परसों सीएसी उत्तराखंड पर निर्णय करेगी। सर, वही माफी जैसा शब्द नहीं कहा मैंने, कहा लोकतंत्र में के प्रति जो गलती की है यदि उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं गलती हुई मुझसे, माफी मांगने जैसा। मैंने कहा लोकतंत्र से माफी मांगे, उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे। और राजनीति के अंदर कभी कभी जब कोई निर्णय गलत होता है, यदि गलत नहीं होता तो क्यों वहां से यहां आना पड़ता या बाहर क्यों होना पड़ता? जब निर्णय गलत होता है तो कहना पड़ता है मेरा निर्णय गलत था। तो क्या आपसे बातचीत हुई है, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सर वो? मुझे ये विषय मुझसे डिस्कस करके तय नहीं हुआ है, ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय जिन लोगों का है वो ही इस पर कुछ कहे। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर लगातार जारी है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए। बैठक से बाहर निकालने के बाद गोदियाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। काम करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने जब परसों ये बात रखी, अपने ओपिनियन रखे, तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की कुछ क्वारीज थी, उनको कुछ अतिरिक्त जानकारियां चाहिए थी। जिन अतिरिक्त जानकारियों के संबंध में कल हमने फिर बैठक कर चर्चा की, आज भी बैठक कर चर्चा की, और अब हमने 70 की 70 विधानसभाओं पर अपनी राय स्पष्ट मतों के साथ, और जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो क्वेरीज थी, उनकी जो शंकाएं थी, उनकी जो अतिरिक्त जानकारियां वो चाहते थे, उस पर अपने मत हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब हमने रिक्वेस्ट की है उनसे कि वो समय दें हमें कि वो अंतिम रूप में इस बात को सुनकर और लिस्ट स्वीकृत करें। सर, सीएसी की बैठक कब, कल होने वाली है? अब हमने ये अपनी ओर से भेज दिया है, वो हमें इंटीमेट करेंगे कि कल करेंगे कि परसों करेंगे। जी, अगर वही मैंने टीवी चैनलों पर और समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी भावनाओं से मैं अवगत हुआ, और ये बहुत ही रिमार्केबल और बात है कि उन्होंने कहा है कि मैं निस्वार्थ कांग्रेस पार्टी में काम करना चाहता हूँ। तो ये बड़ी बात है, उनकी इस भावना की मैं कद्र करता हूँ। और जहां तक बात है कि शामिल होने की, इस पर
निश्चित रूप में अनौपचारिक रूप में हमने अलग अलग चर्चा की, लेकिन आवश्यकता है कि हम सब इस मामले में एक साथ बैठकर चर्चा करें। आज हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं के कुछ ऐसी स्थितियां थी कि वो नहीं आ पा रहे थे, जैसे हमारे प्रभारी जी कोविड से इन्फेक्टेड हैं, तो आज वो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए हैं, उम्मीद करते हैं। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे से पहले दल बदल के राजनीति लगातार जारी है, जहां बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इसी मौके को भुनाने से पीछे नहीं हट रही है। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी कांग्रेस में आना जाना शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा है कि हरक सिंह रावत का पहले से चरित्र रहा है कि वो दल बदल की राजनीति करते हैं। नवीन ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता इन दोनों पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुकी है। ये संभव नहीं कि हर व्यक्ति एडजस्ट हो पाएगा। अलग अलग मंसूबों से, अलग अलग महत्वाकांक्षा के साथ, अलग अलग इरादों के साथ लोग पार्टी में आते हैं और पार्टी से निकल भी जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का कुनबा यहां पर बड़ा है और आम आदमी पार्टी ने लगभग अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का ब्लूप्रिंट पूरा तैयार कर लिया है और अपने मुद्दों को पहले ही एडवांस रूप में जनता के सामने रखा है, उससे आपको ये तो यकीन हो रहा होगा कि आम आदमी पार्टी में कुछ तो बात है कि इतनी जल्दी आम आदमी पार्टी ने कैसे उत्तराखंड में अपने आप को स्थापित कर लिया। वास्तव में जो हमारे उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहन दिल्ली में रहते हैं, ये उन लोगों का कमाल है कि उन्होंने अपने घरों में फोन कर करके जो पार्टी की तारीफ की है, उससे उत्तराखंड की जनता को एक विश्वास हुआ है कि जनता का काम अगर दिल्ली में हुआ है तो उत्तराखंड। कांग्रेस संगठन के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत एक बार फिर राज्य सरकार पर जमकर बरसे। इस बार उनका गुस्सा राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक पर भी फूटा। दरअसल कांग्रेस संगठन के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत ने रेलवे रोड स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विजय सारस्वत ने आरोप लगाया कि ऋषिकेश में 15 साल से विकास का पहिया थम सा गया है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाली विधायक निधि भी स्थानीय विधायक पूरी तरह से नहीं खर्च कर पाते हैं। शहर में सरकार की ओर से एक पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है कि मिस्टर विधायक विकास निधि का आपने पैमाना देख लिया है कि जो व्यक्ति चुनाव के समय में कोई घोषणा सरकार की घोषणाओं में से ना ला पाया हो और अपनी निधि का भी 100% उपयोग न कर पाया हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं देवनगरी में नहीं मानता। ये पत्रकार बंधु ने कहा 93% जो व्यक्ति सिर्फ विकास निधि, विधायक निधि पर ही काम करते हैं, कोई सरकार की योजना, कोई महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज छात्राओं के लिए, कोई इंटर कॉलेज, कोई पॉलिटेक्निक, कोई ITI, कोई हरिद्वार की तर्ज पर गंगा जी की जलधारा को त्रिवेणी घाट लाने का प्रयास, कोई बड़ी पार्किंग शहर में, कोई व्यवस्था हो, एम्स इतना बड़ा खुला है उसके पास कोई सरकारी संस्थान होता कि गरीब व्यक्ति तीमारदार उसमें रहते, पूरे ऋषिकेश के नाम पर कोई विकास 15 वर्षों। और खुद को रोगग्रस्त बताकर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति पाने की कोशिश में लगे कर्मचारियों को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। मेडिकल बोर्ड ऐसे कार्मिकों को उपचार हिस्ट्री की जांच करेगा और इसके बाद ही उन्हें चुनाव से ड्यूटी से मुक्त करने पर फैसला लिया जाएगा। देहरादून जिले में चुनाव ड्यूटी के लिए तैयार किए जा रहे 5,000 कर्मचारियों का रविवार को प्रशिक्षण शुरू हुआ है। कई कर्मचारियों ने गंभीर रोगग्रस्त होने का हवाला देकर चुनाव ड्यूटी से खुद को हटाए जाने का आवेदन भी किया और इनमें काफी कर्मचारियों के आवेदन प्रशासन को मिल गए हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के मिश्रा ने बताया कि जो कर्मचारी बीमारी का हवाला देते हुए चुनाव ड्यूटी से राहत पाना चाहते हैं, उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। बोर्ड से ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही वह चुनाव ड्यूटी से हट पाएंगे। बता दें कि मेडिकल बोर्ड की पहली बैठक 18 जनवरी को होगी। उधर उधम सिंह नगर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के परीक्षा गृह में अधिकारियों के साथ बैठक कर बताया कि जनपद उधम सिंह नगर में संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथ हैं और इसी के मद्देनजर चुनाव को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक करीब 9 से 10 जगहों पर ट्रेनिंग होगी और इस मीटिंग का नाम
डीसीएन की इलाज ट्रेनिंग रखा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि कोविड 19 प्रोटोकॉल का हमारे द्वारा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जनपद में 1465 निर्वाचन बूथ हैं और कुछ ऐसे भी बूथ हैं जिसमें 1250 से ज्यादा मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि इनमें 23 ऑब्जरी बूथ हम बना रहे हैं और इतने ही हमारे पीठासीन अधिकारी PO1 PO2 PO3 अपॉइंट किए जा रहे हैं और 10% का हम रिजर्व रखेंगे। 16 से लेके 20 तारीख तक करीबन 9 से 10 जगहों पे ट्रेनिंग होगी और डिसेंट्रलाइज ट्रेनिंग हम इसको कह रहे हैं और कोविड के प्रोटोकॉलों का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। हमारे जनपद में 1465 निर्वाचन बूथ हैं और कुछ हमारे ऐसे बूथ हैं जिनमें 1250 से ज़्यादा मतदाता हैं, तो इनमें करीबन 23 ऑक्सिलरी बूथ हम बना रहे हैं। तो इतने ही हमारे पीठासीन अधिकारी और PO1 PO2 PO3 अपॉइंट किए जा रहे हैं और 10% का हम रिजर्व रख रहे हैं ताकि अगर मानो किसी का स्वास्थ्य खराब होता है या कोविड इन्फेक्शन होता है तो हमारी मतदाता की जो मतदान टीम है वो पूरी की पूरी। कोविड 19 और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर इस बार दिव्यांग और 80 प्लस वृद्धजन बैलेट पेपर से मतदान करेंगे और इसके लिए इन दिनों BLO घर घर जाकर इन महत्वपूर्ण वोटरों को इस बात की जानकारी और सूचना दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 80 प्लस मतदाताओं की कुल संख्या 4092 है जबकि 2121 दिव्यांग मतदाता है। केदारनाथ विधानसभा से 959 और रुद्रप्रयाग विधानसभा से 1162 दिव्यांग मतदाता है। 80 प्लस के मतदाताओं की संख्या केदारनाथ विधानसभा में 1954 है और रुद्रप्रयाग विधानसभा में 2138 है। रुद्रप्रयाग विधानसभा में वृद्ध और दिव्यांग दोनों ही मतदाता अधिक हैं। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों पर विशेष व्यवस्थाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। गांव-गांव से इन वोटरों को बूथ ना आना पड़े इसके लिए उन्हें अभी से बैलेट पेपर की जानकारी घर पर ही दी जा रही है ताकि उन्हें मतदान में कोई दिक्कत ना आए। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि दिव्यांग और वृद्धजन महत्वपूर्ण मतदाता हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में हम हर मतदाता मतदान करें इसके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और लगातार बढ़ रही सर्द को देखते हुए लालकुआं नगर पंचायत ने शहर भर में तमाम जगहों पर अलाव की व्यवस्था करा रही है। शहर के मुख्य चौराहों व प्रमुख स्थानों जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोतवाली चौराहा जैसे चिन्हित स्थानों पर अलाव की व्यवस्था मुख्य रूप से की गई है। लालकुआं अधिशासी अधिकारी पूजा चंद्रा ने बताया कि अलाव के लिए लकड़ियों की व्यवस्था पूर्ण रूप से कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास भरपूर मात्रा में अलाव की व्यवस्था उपलब्ध है। शहर के जो मुख्य चौराहे हैं जिसमें शहर में जो यात्रीगण हैं और आगंतुक हैं उनके लिए ताकि ठंड से बचाव हो सके या जो कुछ जानवर हैं स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका सर्दी में बचाव हो सके उसके लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है। कल भी की गई थी, आगे भी की जा रही है हमारे द्वारा। शहर के जो मुख्य चौराहे हैं उनमें ही व्यवस्था की गई थी, जैसे कि पीपल मंदिर के सामने भी व्यवस्था की गई थी, पुलिस चौकी चौराहे पर भी की गई व्यवस्था, कोतवाली चौराहा। प्रदेश की सियासी गर्माहट के बीच प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से अपना असर दिखा रहा है। लगातार बढ़ रहे रैपिड पॉजिटिव मरीजों की तादाद ने स्वास्थ्य महकमे के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। इस मामले को लेकर काशीपुर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। काशीपुर प्रशासन रैपिड टेस्ट के दायरे को बढ़ाकर कोरोना को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। आज इस मामले में जब हमारी टीम ने जायजा लिया और कोविड 19 के क्षेत्रीय नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह से बात की तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोरोना का ग्राफ बढ़ना चिंताजनक बताया और उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हम पूरी तरह से हालात पर नजरें गड़ाए हुए हैं और साथ ही हमने जांच के दायरे को बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन डोज लगाने में तेजी ला रहे हैं। उम्मीद है हम क्षेत्र में कोरोना पर अंकुश लगाने में सफल रहेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से उत्तराखंड के साथ साथ हमारे ब्लॉक काशीपुर में भी कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको देखते हुए सभी बॉर्डरों पर बहुत सख्ती कर दी गई है और पूरा दिन 12 घंटे वहां पर हमारी टीम मौजूद रहती है जो कि RT-PCR और एंटीजन की पूरी सुविधा दे रही है। वहां पर रैपिड चेकअप हो रहे हैं। हर जितने भी वहां पर पब्लिक आती है हमारी आउटसाइडर से उनकी सेकेंड डोज चेक होती है। जिनकी सेकेंड डोज नहीं लगी है वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा, हाथों हाथ उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
जहाँ तक निर्वाचन का भी अब समय आ गया है, जितने हमारे निर्वाचन के उनके लिए हमारे बूथ्स में जितने जितनी जगहों पर सेकेंड डोज फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो भी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से भी कोविड से हमने बचना है। सेकेंड लहर में हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन पर काफ़ी जोर दे रखा है और 5 टीमें हमने बना रखी हैं जो कि बॉर्डर्स पे और जगह जगह पे मोबाइल टीमें जाकर जहाँ पे बहुत कोविड संक्रमित लोग मिल रहे हैं उन एरियाज में हम लोग। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया द्वारा मैनिफेस्टो टीम का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष समेत पूरे प्रदेश से 14 सदस्यों को स्थान दिया गया। पार्टी के प्रदेश मैनिफेस्टो टीम के सदस्य और प्रवक्ता हेमा भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैनिफेस्टो टीम में कर्नल सुनील कोटनाला को अध्यक्ष बनाया गया है और उनके साथ 14 सदस्यों की टीम मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करेगी। जल्द ही कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी और जिसमें प्रदेश से लेकर विधानसभा के मुद्दों को कमेटी में रखा जाएगा और विस्तृत चर्चा के बाद इन मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। जनता से राय लेकर ही पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो बनाएगी और इसके लिए सुझाव लेने शुरू कर दिए गए हैं। कल हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी द्वारा एक लिस्ट जारी हुई है 15 लोगों की, जिसमें अध्यक्ष हमारे सुनील कोटनाला जी हैं, कर्नल सुनील कोटनाला जी, और उनके साथ में 14 और मेंबरों को लिया गया है जो मैनिफेस्टो कमेटी में हैं। और इस कमेटी का ये काम होगा कि जो भी मैनिफेस्टो तैयार होगा वो जनता की राय लेके होगा, जनता के बीच में जाके ये कमेटी जाएगी अपनी टीमों के साथ और सभी के विचार लेगी और सभी तरह की विचारों के बाद सबके विचार लेने के बाद हमारा आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होगा। और जैसे कि यहाँ पर हरिद्वार में नशे का चल रहा है, अवैध नशे का, तो जो अवैध नशे का कारोबार है उसे भी हम मैनिफेस्टो में लेंगे और किसानों के लिए भी काफी कुछ होगा तो वो हम जनता की राय पे अपना। और मुनि की रेती थाना के अंतर्गत शीशम झाड़ी क्षेत्र में एक झोला छाप के इलाज से ऑटो ड्राइवर की मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बेटे की मौत पर झोला छाप के क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की और जिसके बाद झोला छाप क्लिनिक में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश भेजा। परिजनों के मुताबिक सुनील पाल पुत्र घसीटू पाल को सोमवार की सुबह अचानक पेट में दर्द हुआ। इलाज के लिए परिजन सुनील को लेकर पास में ही क्लिनिक चलाने वाले तथा कथित बंगाली डॉक्टर के पास पहुंचे। क्लिनिक में पीड़ित को दवाई और 2 इंजेक्शन भी लगाए गए। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही सुनील को तबीयत ज्यादा खराब होने लगी और घर के बाहर सुनील ने उल्टी भी की। हालात बिगड़ने पर परिजन सुनील को लेकर पहले एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सुनील को राजकीय चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टरों ने चेकअप के बाद सुनील को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि तथाकथित बंगाली डॉक्टर के इंजेक्शन और गलत दवाइयां देने से ही सुनील की मौत हुई है। बंगाली हैं, उनसे दवाई हमेशा लाते थे, 2 आज सुबह उनके दर्द उठा, उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, वो गए उनके पास, उसने 2 इंजेक्शन लगाए और 2 इंजेक्शन लगाने के 10 मिनट बाद ही उन्हें उल्टी हुई और वो बेहोश हो गए। दवाई भी दी खाने की, खुराक खाई। बस उसके बाद उसे अभी उन्हें हॉस्पिटल में ले गए, अभी कोई जवाब नहीं आया उधर से। पहले वैसे नहीं, दर्द उर्द कुछ नहीं था, गैस गैस हल्की फुल्की थी बस, वो तो ठीक हो जाती थी। अभी बता नहीं, हमें अभी देख नहीं रहे क्या बोला, अभी हमें पता नहीं। निर्मला में ले गए थे पहले, तो वहाँ क्या कहा? अभी वो कुछ बता नहीं रहे, अब वहाँ से आएंगे लोग जब बताएंगे। ले गए इधर से उधर, अब सरकारी में ले गए। हाँ जी, अभी क्या स्थिति, क्या बता रहे हैं? स्थिति तो कह रहे ट्रीटमेंट चल रहा, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा, इस डॉक्टर को ना मैं जान से मारूंगी, देख लेना चाहे। डॉक्टर बंगाली बोलते हैं, ये क्लिनिक के बराबर में है, डॉक्टर बंगाली है वो, बस इतना ही पता है। आपका क्या नाम है? मेरा रीता पाल। अच्छा, भाई कौन थे जी? और कौन घर में करने वाले? वही थे बस? नहीं, बड़े भाई हैं, पापा जी हैं, पापा जी तो बैठे हैं, बीमार हैं, करने वाले 2 ही भाई हैं। और कौन घर में? और कौन पाल रहा है? बड़े भाई हैं, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं 5। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल। क्या हुआ था? साहब सुबह लड़का उठा, फ्रेश हुआ, नहाया, नहाने के बाद छत की मदरस से बताया यहाँ कोई पड़ोस में बंगाली डॉक्टर है, उसके पास गए, दवाई लिए, 2 इंजेक्शन लगाए कुल्ले पे और दवाई दी। जैसे ही वहाँ से 5 मिनट में हुई, आप तभी उल्टी हुई, उल्टी होते ही के साथ ही बेहोश हो गया।
फिर उसे निर्मला में लेके गए, वहाँ से मने होगी। फिर वो क्या है हार्ड का वो श्रीवास्तव, फिर उनके यहाँ लेके गए, उन्होंने भी जिम मने कर दी, तो लेके आए सर। डॉक्टर ने क्या बताया? हाँ, अल्मोड़ा में विधानसभा निर्वाचन 2022 को लेकर जनपद के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी 3 दिवसीय प्रथम प्रशिक्षण जिला मुख्यालय अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य अकादमी और SSJ ऑडिटोरियम में शुरू हो गया है। लगभग 1100 कर्मचारियों द्वारा इसमें भाग लिया जा रहा है। सभी को EVM मशीनों के संचालन के साथ बूथों को लेकर एक्सपर्ट द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। चुनाव को पारदर्शिता के साथ सभी को निर्देशित किया जा रहा है। प्रशिक्षण 3 दिन तक चलेगा। आगामी 2022 के चुनाव को सफल बनाने के लिए प्रशासन भी हर सफल प्रयास कर रहा है और उसी के लिए जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में उप जिलाधिकारी जसपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर ने पीस कमेटी के साथ एक बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव को सफल बनाने के लिए किसी प्रकार का विवाद न हो, इन सब बातों को लेकर बैठक की गई। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वीर सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा जसपुर में पीस कमेटी की बैठक की गई है और जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के नियमों की ओर से सरकार द्वारा नई कोरोना गाइडलाइन की जानकारी लोगों को दी गई है और सभी से अपील भी की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई शांति व्यवस्था भंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने थाना जसपुर में पीस कमेटी की बैठक ली थी, जिसमें सभी संप्रदायों के सभी सेक्शंस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो उनको हमने जो ये आगामी चुनाव है इसके संबंध में जो MCC लगी है उसकी गाइडलाइन बताई, कोविड गाइडलाइन बताई और सभी से ये अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद और आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। मतदाताओं को बिना भय के मतदान करने के लिए पुलिस फोर्स गांव-गांव जाकर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किए जाने की अपील कर रही है और इसके साथ ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन किए जाने की भी लोगों से अपील की जा रही है। मंगलौर कस्बे में स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ CRPF महिला बल व ITBP फोर्स ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हम आज कस्बा मंगलौर में ये फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन के लिए कर रहे हैं। इसमें हमने अपने कस्बे के मदानपुरा, पठानपुरा, मलकपुरा, भंडा चौक, ईदगाह रोड और ये पूरे कस्बे में इसका फ्लैग मार्च किया है। इसके बाद हम यहाँ से आगे के जो गांव पड़ते हैं मुडलाना और हमारा गादारौना, फिर हम कस्बा लंडौरा में भी फ्लैग मार्च करेंगे। ये कार्रवाई हमारी देर शाम तक चलती रहेगी। कोविड की गाइडलाइन के लिए ये जागरूक किया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग के जो स्पष्ट नियम है कि हमारा ये चुनाव हमारा कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें जो नियम कोविड के संबंध में दिए गए हैं उनका अनुपालन करें। मतदाताओं के लिए अपील यही है कि युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर अल्मोड़ा के साथ ही देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। लक्ष्य ने विश्व चैंपियन व सिंगापुर के खिलाड़ी लेह केन यू को फाइनल मुकाबले में 24-22 और 21-17 से सीधे सेटों में हराकर एयोनेक्स इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 के एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। 20 वर्षीय लक्ष्य सेन का सुपर 500 स्तर के प्रतियोगिता का पहला खिताब है। लक्ष्य सेन ने अपने पिता और कोच डी के सेन के अगुवाई में लगातार दूसरा पदक जीत लिया है और इससे पहले लक्ष्य ने पिछले महीने स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। लक्ष्य की ऐतिहासिक जीत पर उनके गृह जनपद अल्मोड़ा में जबरदस्त खुशी का माहौल है। लक्ष्य ने पिछले महीने ही स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक भी जीता था। I feel good after winning today's match and it was a good win for me, first Super 500 title and I'm happy and it will give me a lot of confidence. उधर 9 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को एक सप्ताह के लिए निरस्त किया गया है। आलमनगर में रेलवे के काम के चलते मेगा ब्लॉक किया गया है। 5 रेलगाड़ियां उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली निरस्त की गई हैं। लखनऊ के पास आलमनगर में रेलवे ट्रैक पर दोहरीकरण NHI वर्क के चलते निरस्त की गई हैं। उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस, अमृतसर हावड़ा, अमृतसर पंजाब मेल, धनबाद किसान एक्सप्रेस सहित कई गाड़ियाँ निरस्त की गई हैं। मुरादाबाद मंडल के
सीनियर डीसीएम सुधीर कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। शहर में पहुंचने वाले पर्यटक कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। जहां चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी जब नियमों का पालन कराने के लिए पर्यटकों से अपील कर रहे हैं, तो पर्यटक साफ तौर पर पुलिस से भी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने नियमों का पालन कराना बड़ा चुनौती बन गया है। किस प्रकार पर्यटक बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं मास्क तक पहनने को तैयार नहीं है। मजबूरी में पुलिस को पर्यटकों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई करनी पड़ रही है, जिसका विरोध भी पर्यटक करते हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि पर्यटकों का किसी भी प्रकार का दबाव पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता लागू हुए एक हफ्ता होने को है, बावजूद इसके बागेश्वर में होर्डिंग बैनर बोर्ड कई जगह देखे जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा उन्हें अभी तक नहीं हटवाया गया है। अगर जिला मुख्यालय में प्रशासन का ऐसा ढुलमुल रवैया है, तो फिर दूरस्थ क्षेत्रों का क्या हाल होगा और ये कैसी आदर्श आचार संहिता लागू है जिस पर जिम्मेदारों की निगाह नहीं पहुँच रही है। हालांकि कई जगह होर्डिंग बोर्ड पोस्टर हटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई स्थानों पर इनको छुपाने का काम बाकी है। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर्स हरगिरी ने कहा है कि अधिकांश जगह बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं, कुछ एक रह गए हैं, उन्हें भी हटाने का काम जारी है। जो हमारी 24-48 घंटे की रिपोर्ट थी, उसमें हमने अच्छी एक कार्रवाई अपनी टीम से करवा करके रिपोर्ट भेजी है। और जैसे 2-3 प्रकरण मेरे संज्ञान में है, और उसमें इस तरह का है कि चूंकि यहाँ मेला चल रहा था, एक जगह पर एक मूर्ति बनी है, तो उसमें जो अभी के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना नाम अंकित किया है। चूँकि मूर्ति भगवान शिव की बनी है, उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता मेले में, लेकिन जो उन्होंने अपना नाम लिखा है, हो सकता है कहीं वो संभावित कैंडिडेट ना हो, इसलिए उसको जो नाम लिखा है उसको हम अभी ठीक कर रहे हैं। उसको नाम को अभी हम पेंटिंग कर देंगे ताकि वो दिखाई नहीं देगा। और जो दूसरा एक जगह और संज्ञान में लिया है, वो चूंकि द्वार बहुत पहले से था, उसमें एक छोटा सा नाम है, तो उसको भी मैंने अभी निर्देशित कर दिया, वो भी ढक दिया जाए। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।